कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उनके साथ बेटे रोहित शेखर ने भी बीजेपी की सदस्यता ली। तिवारी आज दिल्ली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अमित शाह से मिलने उनके आवास पहुंचे और दोनों ने यहीं पर बीजेपी का दामन थामा। बताया जा रहा है कि तिवारी पार्टी में लंबे समय से अपनी अनदेखी से नाराज थे और अपने बेटे को विधानसभा चुनाव में टिकट भी दिलवाना चाहते थे और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में टिकट के लिए यह फैसला किया गया है। चर्चा है कि रोहित हल्द्वानी सीट से उम्मीदवार हो सकते हैं। आपको बता दें कि एनडी तिवारी अपने बेटे रोहित शेखर को राजनीति में स्थापित करने की कोशिश में लगे थे। यूपी में अखिलेश यादव ने उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दे रखा था, लेकिन एनडी तिवारी चाहते हैं कि रोहित एक जन नेता बने। इसके लिए पहले उन्होंने बेटे को समाजवादी पार्टी से यूपी की किसी सीट से टिकट दिलाने की कोशिश की। जब उनकी यह कोशिश परवान नहीं चढ़ी तो उन्होंने उत्तराखंड में बीजेपी से टिकट दिलाने की कोशिश शुरू की और बात बनने पर एनडी तिवारी ने बीजेपी में जाने का फैसला लिया। वहीं बीजेपी भी इसे कहीं ना कहीं अपने फायदे का सौदा मान रही है। नारायण दत्त तिवारी का बीजेपी में आना उत्तराखंड में ब्राह्मण वोटों को मजबूती देने की कोशिश माना जा रहा है। इस पहाड़ी राज्य में बीजेपी पहले से ही विद्रोह से जूझ रही है और ऐसे में एनडी तिवारी बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। आपको बता दें कि 91 वर्ष के एनडी तिवारी 3 बार अविभाजित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 2002 में उत्तराखंड राज्य बनने के बाद वह 2002 से 2007 तक इस राज्य के भी सीएम रहे। साल 1986 से 1987 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की कैबिनेट में विदेश मंत्री के तौर पर कार्यरत थे। साल 2007 से 2009 तक आंध्र प्रदेश के राज्यपाल पद पर थे। 2009 में एक सेक्स स्कैंडल में नाम आने पर उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा था। 2014 चुनाव से पहले एनडी तिवारी की नजदीकी समाजवादी पार्टी के साथ भी बड़ी थी। तो उत्तराखंड में चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। एनडी तिवारी से पहले कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य और राज्य के पूर्व सीएम विजय बहुगुणा समेत 9 कांग्रेस एमएलए भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। देखते रहिए डीबी लाइव।